बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सऊदी अरबिया से आईफोन जी आपके साथ मैं आपको दे दूंगा आज की एक अपडेट। अभी है क्या भाई, साथ में शेयर करूंगा आईफोन 11 प्रो मैक्स। अच्छा, इसकी वीडियो मैं पहले भी काफी शेयर कर चुका हूं, आप भाई मुझे कमेंट करते रहते हैं। इसके अलावा भाई आईफोन यानी कि आईफोन की जितनी भी सीरीज है, इनके अलावा भी अगर आपने किसी और मोबाइल की वीडियो देखनी हो तो मेरे चैनल के ऊपर जाकर प्लेलिस्ट मोबाइल रेट्स इन सऊदी अरेबिया के नाम से एक प्लेलिस्ट पड़ी हुई है जी। इसमें भाई आपको तकरीबन तमाम तर मोबाइल की वीडियो मिल जाएंगी, तो आप किसी भी मोबाइल की वीडियो भाई अगर आपने देखनी हो तो वहां से जाकर सर्च मारकर देख सकते हैं। तो आज की वीडियो फिर शुरू करते हैं आईफोन 11 प्रो मैक्स के साथ। जी आपके सामने आईफोन 11 प्रो मैक्स जो कि यूजेबल में पड़ा हुआ है। अच्छा, आईफोन 11 प्रो मैक्स भाई जब सीरीज लॉन्च की गई थी उस टाइम ये कलर ही लॉन्च किया गया था, उसके बाद इसमें काफी कलर आ चुके हैं अभी तो, लेकिन ये यूजेबल में पड़ा हुआ है और जिद्दा फलस्तीन मोबाइल मार्केट में ये अवेलेबल है। मैं आप भाई के साथ इसकी कंडीशन और इसके प्राइस शेयर कर देता हूं। सबसे पहले अगर इसके बैक कैमरों की तरफ देखें तो आपको तीन कैमरों का वही आईफोन 12 सीरीज वाला जी तीन कैमरों का सेटअप है, तीनों 12-12 मेगापिक्सल के, आप 184K वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं। आईफोन 12 में भाई आप 8K वीडियो भी रिकॉर्ड कर सकते हैं। कैमरों के मिरर वगैरह इर्द गिर्द जो कलर पड़ा हुआ है बिल्कुल ओके है, इसमें कोई किसी किस्म का मसला नहीं देख रहा हूं मैं। चेक कर रहा हूं कैमरों के ऊपर कोई खराश वगैरह तो नहीं है, इससे भाई जाहिर सी बात है कैमरे का रिजल्ट भी खराब होगा, प्राइस भी डाउन होंगे। एप्पल वालों का लोगो बिल्कुल ओके है, नीचे से स्पीकर के लेंगे चार्जिंग की जगह, यह भी बिल्कुल साफ एंड क्लीन है। इनमें भी कोई किसी किस्म का मसला नहीं देख रहा हूं मैं, हल्की फुल्की धूल ये यूजेबल मोबाइल में मसला होता है, ये कोई मसला नहीं है। तो बात कर लेते हैं साइडों से, कोनों से मैं मोबाइल को चेक कर रहा हूं, कहीं कोई भाई दाग धब्बे का खराश का निशान, हल्की फुल्की खराश एक आध मैंने जरूर देखी है, लेकिन इससे ज्यादा कोई किसी किस्म का मसला मैं नहीं देख रहा हूं इसमें। आईफोन्स में भाई मेन चीज होती है इनकी कंडीशन, तो आप देखते हैं, उसके अलावा बैटरी और कैमरे का रिजल्ट वगैरह चेक कीजिए, डिस्प्ले को अच्छे से चेक कीजिए कहीं कोई डैमेज तो नहीं है कहीं से, तो वो आपको मैं हर वीडियो में बिल्कुल क्लोजली करके दिखा रहा हूं जैसे कि अभी दिखाना शुरू कर चुका हूं। अगर डिस्प्ले की बात करूं तो आपको 6.5 इंच तक बड़े टाइप का इसमें डिस्प्ले मिलेगा, ऊपर वाली स्पीकर गिर लेंगे चार्जिंग की जगह, ये भी बिल्कुल ओके है, इनमें भी कोई किसी किस्म का मसला नहीं है। यहां पर आपको ना मैं इसका कैमरा रिजल्ट और बैटरी के मुतालिक भी भाई बताता हूं अभी, तो अभी कैमरा ओपन कर लेते हैं जी। कैमरे का रिजल्ट मैं आपको यहां पर चलाकर दिखाता हूं, इससे आप डिस्प्ले भी देख सकते हैं अपना, और बाकी आपको पता है जी आईफोन कैमरे के लिहाज से तो बेस्ट माने जाते हैं, 12 मेगापिक्सल का कैमरा जी इसमें बिल्कुल ओके है, कोई मसला नहीं है जी इसमें भी। तो अभी बात कर लेते हैं भाई इसके स्टोरेज के मुताबिक, 64, 256, 512 GB तीन स्टोरेज इसमें वैसे होती हैं, लेकिन ये जो बड़ा हुआ है ये 256 GB स्टोरेज वाला है, 4 GB रैम एक यूज़ की जाती है जी। बैटरी मैं यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ अभी इसकी बैटरी हेल्थ, ओपन करते हैं जी आप देख लें जी 94% है जी, वेरी गुड कंडीशन में आती है, बिल्कुल ओके है, कोई किसी किस्म का मसला नहीं है इसकी बैटरी में भी। सेल्फी कैमरा भी 12 मेगापिक्सल का है इसमें आपको मिल जाएगा। अभी बात कर लेते हैं इसके प्राइस के मुतालिक, वैसे 4000 mAh की भाई इसमें ओरिजिनल बैटरी आती है, लेकिन 94% है तो बैटरी वेरी गुड कंडीशन में पड़ी हुई है। तो 256 GB स्टोरेज में ये अवेलेबल, 4 GB रैम वाला, हालांकि इसमें 64 और 512 GB स्टोरेज भी होती है, तो ये शॉप वाला इसके भाई 3000 रियाल मांग रहा है, तो मैंने उसको बोला थोड़े ज़्यादा नहीं है, कोई प्यार मोहब्बत हो जाएगा, वो बोलता हो जाएगा, लेकिन मेरे हिसाब से यार ये ज़्यादा मांग रहा है। ये अगर हमको भाई 256 GB स्टोरेज में इस टाइम लेना चाहिए तो मेरे हिसाब से 2600-2700, ज़्यादा से ज़्यादा 2700 का लेना चाहिए। तो हालांकि अगर आप भाई एक साल बाद यानी कि यूज़ करने के बाद सेल भी करेंगे तो आपके लिए ये बेस्ट रहेगा फिर। बाकी आप भाइयों ने किसी और मोबाइल के मतलब वीडियो देखनी हो तो मुझे कमेंट कीजिएगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।